लिए पहले अपने परिवार से मिलेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि हम दलित और आदिवासी अलग नहीं है, एक है, हम एक परिवार के लोग हैं। और मैं दिल्ली से ये बताने के लिए आया कि मुख्यमंत्री चुप भी तोड़े, ये हम बकरे नहीं है जिनको हलाल किया जाएगा, मारा जाएगा। अगर सीबीआई जांच नहीं होगी और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री को सरकार को आम आदमी जिसको न्याय मिलना है संतुष्ट होना चाहिए। और जब परिवार मांग कर रहा था क्यों नहीं करा रहे, इसका मतलब कि बड़े नेताओं की गर्दनबंदी भी है। अगर मुख्यमंत्री न्याय नहीं देंगे तो कुछ खींच के लेकर ये जनता है और जनता लोकतंत्र में मालिक है। मुख्यमंत्री ये ना समझे वो न्याय नहीं करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अभी तक निमावन नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? नहीं, उनका उनका आदिवासियों से कोई लेना देना है ही नहीं। वो आरएसएस बीजेपी के लोग उनको क्या पता होता है दलितों के आदिवासियों को क्या होती है, उनको तो कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। अगर उन्हें वो इंसान नजर आते तो तीन बच्चों की चिकनी सुनाएगी। 45 दिन तक पुलिस ने क्या किया और आज डीएम कह रहे हैं हम कर लेंगे जांच। तुम इतने जांच करने वाले, तुम्हें ये भी नहीं पता 45 दिन परिवार कहाँ था? ये सरकार को भी हम जानते हैं और ये अधिकारी कर्मचारियों को भी, हम जनता हम मालिक हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मध्य प्रदेश नहीं चलेगा और मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा। मैं खुद आऊंगा साइकिल यात्रा छोड़कर, मुख्यमंत्री का घिराव करेंगे। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती या आदेश नहीं देते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा सारे मुख्यालयों में और मुख्यमंत्री आवास का घिराव का हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम साबित करेंगे कि हम यहाँ मांगेंगे नहीं, अपने अधिकार को छीन के लेंगे।